प्रथा काम होता रहेगा, जाओ पहले तुम भी खा लो। नहीं सर, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। इधर आओ, खाना खाओ। मैं अपने सर, सच में अभी काम भी है तो। चुपचाप खाना खाओ। ये मयंक बार बार फोन कर रहा है, कहीं दोबारा यहाँ ना आ जाए। प्रथा कहाँ पे? हाँ वो वहाँ डाइनिंग एरिया में। खाओ, जस्ट ईट। क्या रहे? मयंक वो मैं मना ही कर रही थी, सॉरी फोर्सिबली खिला रहे थे। और तुम खा रही थी राइट? जब से तुमने ये जॉब पकड़ी है ना, तब से तुम तो टॉप टू बॉटम बदल गई हो। पहले तो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं था, अब ये भी है। तुम गलत समझ रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मयंक सही समझ रहा है। काम की आड़ में ये गुल खिला रही हो तुम, और अगर यहाँ नहीं आया होता ना तो इतना रोमांटिक सीन में मिस कर देता। सच कहूं तो तुम्हें यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। एक्चुअली आई एम रिग्रेटिंग नाउ, तुम्हारी ना चिंता थी, लॉकडाउन लग गया है, सोचा तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूं, वहां पे तुम सेफ रहोगी, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। तुम तो यहां ज्यादा सेफ हो अपने नए लवर के साथ। हे, कैसे बात कर रहे हो तुम? सर सर आप प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उन्हें समझा दूंगी। वो बस कुछ देख लिया तो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया। नो 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 नो, तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। काश मुझे पहले पता चल गया होता कि तुम किस टाइप की लड़की हो। जस्ट शट अप, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ मत बोल। तू मुझे बताएगा मेरी फियांसे के बारे में, अच्छी है बुरी है? अपने हाथों से खाना खिला रहा था ना, टेल मी। और क्या क्या किया तूने, क्या समझ के रखा है तूने, और कैसी लैंग्वेज में बात कर रहा है? प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है अभी तुमसे ऐसे बात कर रहा है तो आगे जाके क्या? ओह आई एम टेलिंग यू, ये तुम्हारे लिए लड़का सही नहीं है, तुम सगाई मत करो इसके साथ। ओह वाह, तुम मेरे सामने ही मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे अगेंस्ट भड़का रहा है? मैं तुम जैसे लोगों को ना काउंट भी नहीं करता, जो सच है वो मुंह पे बोल रहे हो। अपनी सच्चाई ना अपनी जेब में रख समझा। और हां प्रथा, इसके पास तो करोड़ों है, तो ये शादी के काम करके तो करोड़ मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए इसको ही पटा लिया। क्या धक्के मार रहा है, कमीज से पेशा बोल रहा हूँ तेरे को। और सुन, मुझे तमीज मत सिखा समझाना, शादी किसी और से कर रहा है और दोरे किसी और भी डाल रहा है। No, no, no. सर, 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 छोड़ दीजिए। वाह, माशुका ने मना किया तो आशिक ने हवा में ही हाथ रोक दिया। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगी। बस तू मुझे ये बता, तुझे ये लोग कितने पैसे देते हैं, एक रात के लिए कितने पैसे मिलते हैं तुझे? हेलो प्रथा, प्रथा प्रथा, मुझे एक बात बता, तेरे बाप को पता है तेरी ये सब करतूतों के बारे में, या तेरा बाप ही तेरे को भेजता है ये सब करने के लिए? जो तूने किया है ना उसके लिए तू माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांग। सर मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, बस इसे जाने दो। इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ तेरे को, अगर अब मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना सीधा डायरेक्ट जेल में भेज दूंगा तेरे को। सर प्लीज सर, ऐसा कुछ नहीं मत करना प्लीज, मैं यहाँ से चले जाऊँ। हाँ तो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊँ, वरना ये तेरी लव स्टोरी का क्या होगा? और इतनी रोमांटिक लव स्टोरी में इस कैरेक्टर की क्या जरूरत है? सिक्योरिटी, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया कल शादी में। एक मिनट, मैं तो यहाँ कल जो होने वाले हैं ढोल नगाड़े वो सुनने आई थी, लेकिन आज ही यहाँ ढोल नगाड़े शुरू हो गए। चाची बाहर फेंको इसको। देख रहे हो तुम, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कैसे किसी की बैंड बजा रहा है, वो भी किसके लिए? उस लड़के के लिए। तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे जा सर प्लीज। सर प्लीज अभी जा रहा है ना, उसे जाने दो प्लीज। बस सर प्लीज, उसके अगेंस्ट कोई हार्श एक्शन मत लेना। ये क्या चल रहा है रितेश, इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अरे वो लड़का, वो बोल रहा है हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो इन दोनों की लाइफ में तुम इतना क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जैसे उस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक दिया था, वैसे इसकी सो कॉल्ड फियांसे को भी बाहर फेंक देते ना। या वो इसके बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था। अरे वो उसे बोल रहा था ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, वो बोल रहा था यहाँ के घर के लड़कों के साथ पैसे मिलते हैं, ये सब सुन लेता मैं, और अगली बार वो सामने दिख गया ना मेरे, आई स्वेयर आई विल किल हिम। तो अब इस मामूली से एम्प्लॉय के लिए तुम किलर बन जाओगे? मैम आप टेंशन मत लीजिए, जैसे शादी हो जाती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस मुझे पैसों की जरूरत है। तो कोई पैसे नहीं मिलने वाले अब तुम्हें, ठीक है? मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत है, मुझे परमानेंट कोई जॉब नहीं मिल रही इसलिए ऐसे काम कर रही हूँ, और पापा भी रिटायर्ड है, पापा की पेंशन से उनकी दवाइयों का खर्चा होता है, बाकी की जरूरतें, घर का खर्चा। प्लीज अपना ये होम स्वीट होम वाला जो ड्रामा है ना अपने पास ही रखो। तुम जैसी लड़कियां ना अपनी इमोशनल कहानियां सुना सुना के ना बड़े बड़े ड्रामा करके निकल जाती हो घर से। रिया और पहले दिन से ना तुम्हारी नजर मेरे फियांसे पर है,
अगर मेरी फियांसे की तरफ तुमने एक भी बार नजर उठाकर भी देख लिया ना। रिया प्लीज काम डाउन, ये सब बातें ऐसे सबके सामने, कल हमारी शादी है और तुम ये सब। शादी तो तब होगी ना जब ये मेरे फियांसे को शादी के लायक छोड़ेगी। ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो ये सब सीन क्यों क्रिएट किया? हां आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इस लड़की को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। रिच बॉय देखा नहीं कि पिच लगानी शुरू कर दी इस लड़की ने। शट अप। कल हमारी शादी और मुझे शट अप कह रहे हो? तू बैठ लगा ले, मुझे तो ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। कम ऑन ब्रो, इतना टेंस माहौल में भी तुझे बैठ लगाने की पड़ी है। भाई सिचुएशन डेंजरस है। डेंजर अभी शुरू कहाँ हुआ है, डेंजर तो अभी आने वाला है। परछाई जी, अच्छा हुआ आप आ गए, आज तो बहुत बड़ा सियापा हो गया। वो जो उस दिन लड़का आया था ना, आज फिर से आ गया इसका लड़का। और तो और शक्ल तो उसकी लफंगे जैसी है ही, बातें भी उसकी एकदम गुंडे मवाली जैसी है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का उससे भिड़ गया, और वो भी किसकी वजह से? इस एक चोटी वाली चमेलन के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये लड़की इस घर में आई क्यों है, क्या करने आई है, किस इरादे से आई है। और तो और अपने रितेश ने अपने डाइनिंग टेबल पर इसे बिठा कर खाना तक खिलाया। ये क्या हो रहा है रितेश? तुम्हारी शादी हो रही है रिया से, मेरी बेटी रिया की लाइफ का सवाल है ये। निकालो इस लड़की को। मॉम, ये जो भी सिनेरियो आपके सामने आया ना, वो गलत है ना। उसमें प्रथा की कोई गलती है ना, मेरी कोई गलती है। वो जो लड़का था वो घटिया था। मॉम तुम होश में तो हो? शादी की रात पे तुम इस स्ट्रेंजर लड़की को डिफेंड कर रहे हो, मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो तुम? अरे अपना स्टैंडर्ड देखो रितेश, इस टाइप की लड़की ना सिर्फ पैसे चाहती है। ये पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती हो ना तुम? नहीं मैम। अच्छा तुम मेरे होने वाले पति के इतनी क्लोज क्यों गई तुम? हाँ अगर तुम्हारे अंदर ना जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो झटक देती उसका हाथ जब वो तुम्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। पैसे बनाने हैं तुम्हें? कितने पैसे बनाने हैं? कितने पैसे बनाने? बोलो कितने पैसे बनाना। रिया बस बस बहुत हो गया। मैं भी यही बोल रही कि बहुत हो गया। डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स ओके। रिया क्या था ये? इसकी औकात मुझे पता है, किसकी कितनी औकात है, किसकी कितनी तमीज है और किसका कितना स्टेटस है, तो बस। वाओ आप ये मुझे इससे कंपेयर कर रहे हैं? हाँ तो चोट तो नहीं लगी? क्या कर रहे हो तुम? आर यू सीरियस? क्या कर रहे हो तुम? ये टू मंथ तुम्हें इसका हाथ पकड़ना है ना, तो मेरा हाथ छोड़ना पड़ेगा। रिया रिया लुक एट मी, क्या कर रही है बेटा? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आई नो, कंट्रोल कर ले बेटा। क्या हुआ रितेश, ये जरा सा गिर क्या गई? थोड़े से आंसू क्या बहा लिए? तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? और मेरा क्या, एक भी बार तुमने नोटिस किया है? मुझसे कभी ऐसा पूछा है तुमने? नहीं, पर इसके लिए तुम्हें बड़े हार्ट ब्रेक हो रहे हैं। रिया प्लीज कंट्रोल, प्लीज। फाइन मॉम, आई विल कंट्रोल, बट ये लड़की ना, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंक दो। आई डोंट वांट टू सी हर फेस, समझी? तुम ना यहाँ से बाहर निकलो और अपना ये लव स्टोरी ना किसी और के घर पे दिखाना, गेट इट? जस्ट कीप योर माउथ शट। नो आई वोंट। यू हैव टू। इतना कुछ बोल दिया, उसकी जरूरत भी नहीं थी। अरे उस लड़के ने इशू क्रिएट किया, लेकिन तुमने एक छोटे से ट्रेलर को ना मसाला डाल के बड़ी पिक्चर बना दिया। इससे माफी मांगो अभी क्या? अभी मैं रिया कटारिया इस काम वाली से माफी मांगूंगी रितेश। ओके फाइन, लिसन I'm sorry, okay? Please मुझे माफ कर दो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलूंगी? माफी मांगूंगी मैं तुमसे? हाँ सॉरी तो बोलेगी मेरी जुत्ती। वेट, मेरी जुत्ती भी तुमसे सॉरी नहीं बोलेगी। हजारों की जुत्ती है ना, इंसल्ट हो जाएगी मेरी जुत्ती की। Get out of here. मुझे सच में इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मेरे पापा को पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ पैसे, पैसे के लिए करियो ना तुम ये सब, पैसे के लिए करियो ये सब तुम? हाँ रिया बस एक बार और नहीं। तू डेयर स्टॉप मी रितेश गुजराल, अभी ना सिर्फ धुआं उठा है, जब आग उठेगी ना तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मेलोड्रामा बंद करो,
क्या हो क्या गया है? क्या हो गया है? कहाँ की बात को कहाँ ले गई हो? तुम भी इस लड़की को कहाँ से कहाँ ले गई हो रितेश? केटर से अफेयर है तुम्हारा? अगर तुम्हें इतना लव ट्रप हो गया ना इससे, तो ठीक है, जाओ इससे इसी से शादी कर लो, इसी के साथ हनीमून मना लो, ठीक है? अरे एक मिनट, शादी करने की भी क्या जरूरत है? हाँ, सीधा हनीमून क्यों नहीं बना लेते थे? खबरदार, मेरी बेटी पर हाथ उठाने के बारे में तूने सोचा भी? और इस घर में इस लड़की के लिए जो जंग छिड़ी है ना, उसे रोक दो, वरना मेरे एक इशारे पर इस घर में सब कुछ रुक जाएगा। अरे मॉम, लेकिन गलती इसकी है। अरे आपको दिख नहीं रहा है, अभी से मुझे इतना कंट्रोल कर रही है, मुझे रॉन्ग प्रूफ कर रही है, मेरे कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर रही है। शादी के बाद क्या करेगी मॉम? मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। शी इज लाइक अ सुसाइड बॉम्ब फॉर मी यार। क्या कहा तुमने? मैं सुसाइड बॉम्ब हूं? वाओ रितेश गुजराल, तुम इस लड़की से तो ज्यादा ही प्यार करने लगे हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया। अरे कोई जादू नहीं किया यार। किया तो है, इसलिए अब तुम्हें ये ज्यादा अच्छी लगने लगी। अरे हाँ, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है मुझे ये लड़की। हाथ छोड़ उसका रितेश, मैंने कहा उसका हाथ छोड़। हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसका हाथ तुझे छोड़ना ही पड़ेगा और रिया का हाथ पकड़ना होगा तुम्हें। आज इसके साथ तेरी शादी है, मुहूर्त निकल चुका है, और तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो मैंने तेरे लिए चुना है, और वो लड़की है रिया। और तेरी होने वाली दुल्हन बनेगी मेरी बहू। ये मेरा आखिरी फैसला है। और रही इस लड़की की बात, इसे तो मैं इस घर से बाहर निकाल ही दूंगी। मॉम, ये कहीं नहीं जाएगी। मॉम प्लीज, लड़की आपने पसंद की, शादी का मुहूर्त आपने तय किया। अरे लेकिन बात मेरी किस्मत की है, क्या आपने एक भी बार मुझसे पूछा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है या नहीं? आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी, आपने शादी फिक्स कर दी, मैंने सोचा चलो ठीक है, जो किया होगा अच्छा किया होगा, आपकी बात मान ली, आपकी पसंद को पसंद कर लिया। मॉम मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो स्वीट, सिंपल, सेंसिबल हो, जो लोगों की इज्जत करे, जो मुझे समझे, जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकूं, अपनी लाइफ बना सकूं, अपना अपना बेटर हाफ बना सकूं। मॉम ये वो लड़की नहीं है, वो ये लड़की है। मैं रिया से नहीं, मैं प्रथा से शादी करना चाहता हूं। तेरी इतनी हिम्मत, तो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि मेरी आंखों के सामने मेरी परवरिश, मेरी पैदाइश, यहां तक कि पूरे के पूरे गुजराल खानदान को बेइज्जत कर दिया तूने। मॉम मैंने आज से पहले आपको कभी कुछ नहीं कहा। इस घर में सबकी किस्मत आपने लिखी। इस घर में कोई खुल के जिंदगी जीता है ना, तो वो सिर्फ आप हो, बाकी सब तो सिर्फ सांसें ले रहे हैं। इस घर में कुछ भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो, सिर्फ दो ही लव्स के ऊपर चलती है, यहाँ आपकी हाँ और आपकी ना। मैंने हमेशा हाँ में हाँ ही मिला है माँ, लेकिन इस बार नहीं। मैं रिया से शादी नहीं करूंगा और आप मुझे इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। शादी मेरी है तो इस घर में तूफान क्यों? फिर तुम इस लड़की की इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? इस कदर इस लड़की पर फिदा हो गए हो कि आज अपनी मां के सामने खड़े होकर तुम बात कर रहे हो?
अरे कम से कम तेरी और मेरी उम्र का फर्क तो समझो। तूने लड़की देखी है लेकिन मैंने दुनिया देखी है। रिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ऐसी लड़कियां तो सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, अगर तुमने इस लड़की से शादी की ना तो इस घर के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद। अगर मैं इस लड़की को अभी के अभी भूल जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी, पर इस लड़की का जिक्र दोबारा इस घर में नहीं होगा। अभी इसी सेकंड में इसे घर से बाहर निकाल दो। सुन लिया माँ उसने क्या कहा? अगर मेरी फियांसे बोलती ना कि उसको किसी से प्यार है तो मैं उस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी उससे शादी नहीं करता। अरे सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? अब आपको पता लग गया किसकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है? मॉम इसे मैं नहीं, इसे इस घर का नाम चाहिए, इस घर में जगह चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रथा पैसे के पीछे नहीं है, रिया है। चुप। एकदम चुप। आप एक बार क्या 1000 बार भी मुझे चुप बोलेंगी ना तो भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा मॉम। और अगर आपको मेरा फैसला नहीं मंजूर है ना तो घर छोड़ के चले जाता हूं मैं। इट्स ओके, मैं अभी इस लड़की के साथ ना घर छोड़ के जा रहा हूं। लिसन है, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? प्लीज डोंट क्राई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्या सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? अरे बहुत प्रॉपर्टी है, कहीं भी घर बना लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं आएंगे कभी। पर दिस डोंट क्राई, ओके? घर 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 आपके लिए, आपके लिए घर ही सब कुछ है क्या? अरे मेरे पास भी एक घर है, मेरे पापा है, बस हम दोनों की फैमिली है, हम दोनों ही है बस। मेरी भी घर की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जरूरत है जो मुझे पूरी करनी है, इसलिए ऐसे असाइनमेंट्स लेती हूँ अपनी घर की जरूरतों को पूरा तो कर पाऊँ। और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो हो रहा था, सब गलत हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ सही होगा। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुमसे शादी करूंगा। आपके लिए शादी इम्पोर्टेंट है, पर मेरे लिए, हम जैसे छोटे लोगों के लिए हमारी रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है सर। बदरपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, छोटी से छोटी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने पापा से प्यार करती हूँ। मेरे लिए जो भी है मेरे पापा ही है बस। अब तक उन्होंने मुझे संभाला था, अब मेरी बारी थी उन्हें संभालने की, और आपने सब कुछ खत्म। कुछ खराब नहीं किया है, कुछ खत्म नहीं किया। तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। प्रथा आज से तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स वो मेरी है। भाई भाई, अरे क्या हुआ था? यू ओके? हाँ, ये इधर आके बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? ये चोट वोट, ये सब? माय गॉड, खून आ रहा है। प्लीज आप पानी लाओगे? पानी कहाँ थे आप, कहाँ गए हो ऐसे? जल्दी पानी लो प्लीज, ध्यान से। बच गया? ये मौत के मुंह से वापस कैसे आया? इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं मार डालूंगी। ऐसे क्लीन नहीं होगा। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ला दो प्लीज, प्लीज जल्दी। प्लीज जल्दी लगाओ। ये निशान मिट गया, मतलब ये असुर नहीं है। वेलकम गाइस,
अगर ये शादियां ना होती तो शायद ये मीटिंग भी ना होती। शादियों के बहाने से ही सही तो होना था, वही हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी कहाँ गए? वो बोल के तो गए थे कि वापस आ जाएंगे, ये तो सच में गायब हो गए या गायब कर दिए गए। हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम मंत्री जी को ढूंढें और साथ साथ में ये डील कंटिन्यू करें। आप सबसे वादा करता हूँ ये डील जैसी थी वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तब तो समझो ये देश भी खत्म। होने दो खत्म, मुझे देश से इतना प्यार नहीं है जितना प्यार मुझे इन पैसों से है। मैं ललित गुजरात, आर्मी ऑफिसर का बाप और एक आर्मी ऑफिसर का बेटा, इस हथियार पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि मंत्री जी मिले या ना मिले, मैं ये डील पूरी कर कर ही रहूंगा और उसके बदले में जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वो हासिल कर कर ही रहूंगा। देखिए, टॉप क्लास डील करते हैं हम, उसके बदले में अच्छे पैसे लेते हैं। मंत्री जी की तरह मैं भी इस देश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा काम है देश को बर्बाद करना। आप सबसे वादा करता हूँ मैं और मेरे साथी इस महामारी को देश में फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाथ मिलाया ना उनसे, आज भी याद है 6 महीने पहले का वो दिन जब वो विदेशी लोग मुझसे मिलने आए थे। तुम ललित गुजराओ, तुम हमारे मकसद में हमारी मदद करोगे, तुम इस महामारी को इस पूरे देश में कराओगे। एक सिर्फ तुम ही नहीं, हमने तुम जैसे और भी कई देशद्रोहियों को पैसों से खरीदा है। अपने ही देश को तबाह करने के लिए तुम करोगे, बोलो डील मंजूर है? मंजूर है। उन लोगों ने हमारी तरह कई लोगों को इस देश में खरीदा है, उनमें से 5 तो हम ही हैं, ऐसे 20 लोग हैं। हम 20 लोगों को चुना गया है देश की तबाही के लिए, तबाही तो हम लाएंगे ही, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, ना कोई आर्मी, ना कोई देशभक्त और ना कोई और ताकत। थैंक यू। आर यू ओके? या भाई, लेकिन ये सब हुआ कैसे, कैसे हुई आपकी ये कंडीशन? कुछ नहीं यार, वो मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में जंगल आया। अरे जंगल कैसे, आप तो मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहे थे ना? हाँ मैं जा ही रहा था, लेकिन वो तू वैसे एक मिनट, वैसे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? भाई मैंने घर छोड़ दिया, मैंने और प्रथा। क्या बोले जा रहे थे? अरे यार मुझे रिया से शादी नहीं करनी है, बस मुझे इससे शादी करनी है, प्रथा से शादी करनी है। क्या बोले जा रहे हो, कुछ पता है तेरे को? पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहे इस लड़की से? इस लड़की से शादी? तू चल मेरे साथ। नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सही कह रहा है, तू नहीं, तुम चलोगी मेरे साथ। चलो उठो, गेट अप। सुनाई नहीं दिया, चलो मेरे साथ। बताओ इस घर में क्यों आई हो, क्या मकसद है तुम्हारा? सवाल पूछा जवाब दो। सर मकसद, मैं तो यहाँ जॉब करने आई थी। वाह, झूठ बोल रही हो। कौन बोलेगा ऐसा मासूम चेहरा इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? अब बताओ इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ऐसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई परमानेंट जॉब ही नहीं मिल रही, इसीलिए छोटे मोटे असाइनमेंट्स लेती हूँ, जैसे कि ये जॉब। एक और झूठ। झूठ बोल रही हो तुम, सारी सच्चाई के बारे में पता है मुझे। ओके, अगर तुम इस घर में जॉब ही करने आई थी तो मेरे भाई से शादी क्यों करने वाली थी? सर मैं नहीं करने वाली थी, वो तो आपके भाई ने जबरदस्ती, मुझसे तो पूछा भी नहीं, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गए और फिर आप बाहर आ गए। सर बस यही सच है, जॉब करने आई थी यहाँ, आने के बाद पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। Enough of your drama, okay? सब जानता हूँ मैं, ये सब तुम क्यों कर रही हो, पैसों के लिए कर रही हो ना, ये सब पैसे चाहिए ना तुम्हें। Just wait right here. ये लो।
बहुत बड़ा अमाउंट है तुम्हारे लिए, इतने पैसे तो काफी रहेंगे ना, रहेंगे ना? अब इसके बदले तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, जाके मेरे भाई को बोलना है कि तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, ऐसी लड़की नहीं। तो कैसी लड़की हो तुम? हाँ, ऐसा है क्या? हजार चेक्स भी आ जाए, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खरीद नहीं पाएंगे। बस अब मुझे यहां नहीं रहना। हाँ पापा। बेटा मैं तुझे फोन नहीं करता, पर चार महीने से मुझे घर का किराया नहीं दिया ना। आज मकान मालिक ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे अरे बहुत कहा उससे, अभी थोड़ा टाइम और दीजिए। लेकिन इस बार उन्होंने एक बात नहीं सुनी हमारी, सारा सामान बाहर फेंक दिया। पापा तो आप अभी है कहाँ? रोड पे हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर में लॉकडाउन है, तू घर भी नहीं है, तू वापस आई तो कहाँ जाएगी? पापा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, हमारे पड़ोसी है ना चावला जी, उनके पास चले जाइए। लोगों में इतना खौफ है कि कोई अपने घर के अंदर नहीं आने दे रहा है, और रखना तो दूर की बात है बेटा। पर वो मकान वाले कैसे कैसे कर सकता है? पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ, मैं खुद बात करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओके हाँ। पापा को कह तो दिया कि सब कुछ ठीक कर दूंगी, कैसे करूंगी बिना पैसों के? शांत हो जाओ प्लीज, प्लीज बिलीव दिस, प्लीज कम डाउन बच्चा, अरे जल्दी लाओ ना यार, बेबी प्लीज प्लीज, आई डोंट वांट दिस। ये सब क्या हो रहा है सीमा? तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का हाथ छोड़कर उस नौकरानी का हाथ पकड़कर चला गया, और तू कुछ नहीं कर पाई। सबके सामने उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। पागल हो गया है तेरा बेटा, उसका दिमाग खराब हो चुका है। देख सीमा, मैं अपनी बेटियों की शादियां कराने आई थी यहाँ पर, बेइज्जती कराने नहीं आई थी। प्लीज कुछ कर यार। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ, तो टेंशन मत ले, अभी आई मैं। भाई भाई आपकी कंडीशन कैसे हो गई? I'm good यार। रिया मुझे सब कुछ पता चल चुका है, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जितेश को तो जानती हो ना, क्या बोलता है क्यों बोलता है उसे खुद नहीं पता, दिमाग का जरा कच्चा है या ये बोलू दिमाग से थोड़ा बच्चा है। मैं हूं ना रिया, इंडियन रितेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही। ओके अरे रीन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जाके रेडी नहीं होना क्या? आफ्टर ऑल हमारी भी तो मैरिज है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति कहाँ हैं? I'm sorry मैम, लेकिन मुझे नहीं पता। Really? तुम्हारे साथ बाहर गए थे ना वो? नहीं मैम, वो मेरे साथ बाहर नहीं गए थे। आपके हस्बैंड ने मुझे यहाँ सिक्योरिटी की जॉब के लिए हायर किया है, जब तक ये शादी है तब तक मैं यहाँ हूँ। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ जहाँ वो चाहते हैं वहाँ वहाँ तुम हो? तुम दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा है। मैम आपको अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भरोसा नहीं? ओ जी नहीं, आई नो माई हस्बैंड वेरी वेल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और इस हद तक चल रहा है कि वो अपनी बेटियों की शादी के फंक्शन के लिए भी नहीं है। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देने? मैम प्लीज, मैं यहाँ की सिक्योरिटी हूँ, ये सब बातें आप अपने हस्बैंड से करेंगे तो बेहतर रहेगा। So, miss, whatever. मेरा भाई तुम्हें बाहर लेकर गया था क्योंकि उसे तुमसे शादी करनी थी, राइट? अब तुम सबको बताओ कि क्या तुम्हें उससे शादी करनी है? सवाल पूछा मैंने, जवाब दो। सर, मैं क्या ये मैं क्या तुम्हें शादी करनी है? सर, नहीं। इनफैक्ट मुझे यहाँ काम भी नहीं करना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस अपने घर जाना है।
यहाँ? बेटा मुझे रितेश लेके आया है। रेंट की जो भी प्रॉब्लम थी, आई मीन पैसों की, रितेश ने मकान मालिक को अब तक का सारा किराया दे दिया है। थैंक यू बेटा, अगर तुम टाइम पे आके मेरी हेल्प नहीं करते, आज मैं यहाँ अपनी बेटी के सामने खड़ा नहीं होता। आप यही सोच रहे हो ना कि मैं कैसे गया वहाँ पर? जब आप डैड से बात कर रहे थे अपने, तो मैंने सुन लिया था, तो मैं उनको लेने के लिए चला गया। बहुत बड़ा काम कर लिया ना तुमने, बहुत खुश हो गए। वेरी हैप्पी राइट? ग्रेट। बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, जिस लड़की के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया है ना, उससे अभी अभी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। शी जस्ट सेड सबके सामने कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी। बेकार में अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट हो गया ना? नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। किसी को उसका घर मिल गया। और रही बात शादी की, अगर प्रथा को मुझसे नहीं शादी करनी तो ना करे। बट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू, दैट इज फॉर श्योर। रिची क्या बोले जा रहे, तू पागल हो गया क्या? मैं इससे शादी नहीं करने वाला। ये लड़की और इसका मेलोड्रामा, आई नो ये सब ये पैसों के लिए कर रही है। बाहर आपके बेटे ने शादी का तमाशा बनाकर रखा है और आप यहाँ बैठे। आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या किया? आपके लाडले बेटे रितेश ने शादी करने से इनकार कर दिया है। रिया से उसकी शादी हो रही है, लेकिन अब वो लड़की जो क्या नाम है उसका, प्रथा, उस लड़की से शादी करना चाहता है क्योंकि आपके साहिबजादे को उससे इश्क हो गया है। और मैं ये शादी हरगिज होने नहीं दूंगी। रिया से शादी करने से उसने मना कर दिया है, इसलिए अब ये शादी नहीं होगी। शट अप। क्यों नहीं होगी शादी? रिया से शादी करने से उसने मना कर दिया है, तो फिर ये शादी किससे होगी? ये क्या अनर्थ होने वाला था? आज मेरे हाथों एक बेकसूर मारा जा। नहीं भोलेनाथ, नागिन यहाँ अपना बदला असुरों से लेने आई है, बेकसूरों से नहीं। ऋषभ बेकसूर है, मतलब असुर कोई और है। हे कालों के काल महाकाल, आज महाशिवरात्रि है, चतुर्दशी की काली रात। आज मेरी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, पर उससे पहले मुझे असुर को ढूंढना है और उसका सर्वनाश करना है, जिसके हाथ में वो काला तिल था। कौन है वो? आप ही मुझे दिशा दिखाइए। जय भोलेनाथ। दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ वहाँ हमारे मेहमान बैठे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है? पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा घर, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे इशारों पे दांतता हूँ, ऐसा ही लगता है ना। लेकिन सिर्फ तुम और मैं ये बात जानते हैं कि जिस पावर से तुम इस दुनिया को नचाती हो ना, वो पावर मैंने तुम्हें दिया है। सबको ऐसा ही लगता है कि तुम सारी प्लानिंग करती हो, लेकिन तुम और मैं ये बात जानते हैं, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा पावर, तुम्हारा औहदा, इसकी प्लानिंग मैंने की है। मैंने सबके सामने बुरी बन रही हो, सारा बुरा काम तुम कर रही हो, लेकिन आज तक जितना भी अच्छा और बुरा तुमने किया है ना, वो मैं तुमसे करवाता हूँ। मेरे सारे कामों का अंजाम तुमने दिया है।
तुम वही करती हो जो मैं तुमसे करवाता हूँ। तुम वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। अरे खिलौना हो तुम, खिलौना। जितनी चाबी ये ललित गुजराल उसमें भरता है ना, वो खिलौना उतना ही चलता है। जाओ जाओ बाहर जाकर उनको अपना वो चेहरा दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, समझी? समझाओ उन्हें कि शादी जरूरी है। जाओ जाओ। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। मैं सबसे कहूंगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ। इस घर में जो मेरी पत्नी कह देती है वो कोई मना नहीं कर सकता है। मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ही सब कुछ करता हूँ। इस घर में सिर्फ मैं ही मालिक हूँ, समझी? इसलिए ये मत समझना कि शादी नहीं होगी। ये शादी होगी, आज ही होगी और दोनों की होगी। कैसे होगी? रिया से वो शादी करने से मना कर रहा, तो फिर किससे होगी शादी? मैंने कहा ना, ये शादी होगी, आज ही होगी, किसी से भी होगी, पर ये शादी होगी। याद है माँ ने क्या कहा था? माँ ने क्या कहा था? याद है क्या कहा था? माँ ने कहा था, महाशिवरात्रि जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था उसी दिन ये दोनों शादी होगी, क्योंकि शादियों के लिए नहीं हो सकता। दोनों की शादी एक ही मर्द पे होगी, एक ही औरत पे होगी। लेकिन आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते ना। माँ से प्यार करना एक बात है, उनके प्रोटेक्शन सुनना दूसरी बात है। ये राहुल के ट्यूशन इसके बारे में माँ ने जो पढ़ा है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। अरे उसी के कारण तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, बस उनके साथ खेलना आना चाहिए। इसलिए शादी होगी, आज ही होगी। और जब ये शादी होगी ना, तो शादी की आड़ में मैं अपने हथियार उनको बेचूंगा, दूसरे देश में बेचूंगा। पता है तुम्हें सीमा, मेरा बाप एक आर्मी ऑफिसर था और बेटा आर्मी ऑफिसर है। इन दोनों की पोजीशन का फायदा मैं उठा रहा हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा कि देशभक्तों के इस घर में इतना बड़ा देशद्रोही रहता है, समझी तुम? दुख रहा है? बहुत दुख रहा है। तो जाओ बाहर, जाओ उनको दुख दो, उन्हें डराओ, उन्हें मनाओ, समझाओ कि आज शादी होनी चाहिए। जाओ जाओ। रुको 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 रुको, क्या हुआ? ऐसे ही जाओगी? मतलब? अरे ऐसे ही जाओगी तो लोगों को शक होगा। अपने बाल सीधे करो, आंसू पोछो, होठों पर लिपस्टिक लगाओ, फिर जाओ। राइट? सुनो 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 सुनो, अंदर हमारे मेहमान बैठे हैं ना, उनके साथ डील करने जा रहा हूँ मैं। तुम बाहर जाओ, बेटों को शादी के लिए तैयार करो, और मैं यहाँ इन्हें आर्म्स खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ, देश भेज रहा हूँ। जाओ, मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे जल्दी जाओ, गेट आउट। पापा चलिए हम यहाँ से जाते हैं। रुको, वहीं रुको। कहाँ जल्दी? मेरी बेटी की लाइफ पर बात करके इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी? नो वे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। वो मेरी बेटी कम सीमा की बेटी ज्यादा है, समझी? अब वही आके तुझे सबक सिखाएगी कि बड़े घर के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। ओ भोलेपन की नौटंकी की दुकान, पहले तूने रितेश पर डोरे डाले, फिर उसे फंसाया, और अब सबके सामने ना बोल के सती सावित्री का ड्रामा कर रही। तेरा ये नाटक तूने शुरू किया, लेकिन खत्म हम करेंगे। हम भी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड सीमा करेगी। आने दे उसे। आंटी प्लीज, इसको और इसके पापा को जाने। नहीं, डोंट।
सीमा जब तक नहीं आएगी ना, मैं इस लड़की को कहीं नहीं जाने दूंगी। आंटी यू शट अप, जस्ट शट अप। एक शब्द और निकाला ना तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर बैठूंगी। ब्लडी फ्लर्ट, मेरी बेटी की लाइफ खराब की, शर्म नहीं आई तुम्हें? हल्दी इसके साथ की, लेकिन एन वक्त पर शादी करने का जब टाइम आया तो इस नौकरानी के साथ शादी करनी है तुम्हें? इसे कहते हैं मंडप से लड़की को छोड़कर चले जाना, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या, तेरी माँ तुझे नहीं छोड़ेगी। Just you wait and watch, you bloody cheater! ये कैसा ड्रामा चल रहा है यहाँ? माँ, माँ, I'm telling you, लड़का पागल हो गया। देख सीमा, देख तेरा ये कमीना बेटा क्या कर रहा है? इसने मेरी बेटी को छोड़ा है। देख कितना बड़ा कमीना निकला ये। दिखा दे इसे सीमा। दिखा दे तू अब। एक मिनट, मैं अभी इसे दिखाती हूं। तूने इसकी बेटी को छोड़ दिया? हाँ वो। अच्छा किया। मुझे थप्पड़ मारा? जानजी, आपने थप्पड़ मारा अपनी बेस्ट फ्रेंड? तो थप्पड़ मारने के बजाय क्या आरती उतारो इसकी? लेकिन जानजी, थप्पड़ मेरे बेटे को कमीना बोलने के लिए था। ये मेरा बेटा है, तूने मेरे बेटे को कमीना कैसे बोला? कैसे बोला तूने? लेकिन जानजी, आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? आप इन सब में ना पड़े तो बेहतर होगा। ये मेरा घर है, यहाँ सभी लोग मेरी बात सुनते हैं। या जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है, और आगे जो होगा वही होगा जो मैं बोलूंगी। होगा ये घर तेरा, पर तूने तूने मुझे थप्पड़ मारा सीमा। I'm your friend, damn it! जानती हूँ मैं कि तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी रीम की शादी मैं अपने बेटे ऋषभ के साथ करवा रही हूँ, वो भी अपने घर में। तुझ पर एहसान कर रही हूँ मैं। और वैसे तुम होती कौन हो? हाँ, मेरे बेटे के कैरेक्टर को जज करने वाली। मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया शादी से पहले किया, लेकिन तेरा पति 30 साल हो चुके हैं ना तेरी शादी को, लेकिन 30 साल के बाद भी वो किसी लड़की के पीछे। क्या बोल रही है तू? सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। तू ही मुझसे कह रही थी ना, सीमा देख ना, मेरा पति वो सिक्योरिटी इंचार्ज है ना, उसपे डोरे डाल रहा है। वहाँ कहाँ है तेरा पति? कहाँ है वो सिक्योरिटी इंचार्ज? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा पति उस सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ भाग गया? चुप कर, वो सिक्योरिटी वाली यही है, कुछ देर पहले मैंने उससे बात की थी। बहू सोच के बोला करो, बच्चे भी यहाँ है। माँ प्लीज, आप कुछ मत बोलिए। देखा पुनुजी, अपनी सहेली को जोरदार चाटा मारकर उसका मुंह बंद करा दे, और यहाँ अपनी सास को एक साइन चाटा मारकर उस बेचारी को चींटी बना दिया। जानजी ये क्या कह रही हैं आप, प्लीज चुप हो जाइए। अरे मिनिस्टर साहब है, वो देश के लिए काम करते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या देश के लिए काम करते हैं, क्या देश की रक्षा करते हैं? इस देश की रक्षा हमारी फैमिली करती है, करती आ रही है। पहले मेरे ससुर जी और उसके बाद मेरा बेटा ऋषभ। और हाँ, तू क्या कह रही थी? वो सिक्योरिटी इंचार्ज यही है ना? वो वहां खड़ी है। अगर वो यहाँ है तो तेरा पति कहाँ है? और वैसे तू ही मुझसे कह रही थी ना कि सीमा तुझे नहीं पता इन मर्दों की फितरत क्या है। अरे तेरे होते हुए अगर तेरा पति उस सिक्योरिटी इंचार्ज पर डोरे डाल रहा है तो वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। माँ, रहने देते हैं ना, ये सब बातें अभी डिस्कस नहीं करते हैं। After all, हमारे मेहमान हैं। Exactly. You're right, Rishabh. हम मेहमानों की बेइज्जती नहीं करते,
लेकिन मेहमानों का ये हक नहीं बनता कि वो हमारी बेइज्जती करे, खासकर वो मेहमान जिन्हें ये नहीं पता कि उनकी इज्जत कहाँ है। और हाँ, कहाँ है तेरा पति? आज तेरी दोनों बेटियों की शादी है ना, अपनी दोनों बेटियों की परवाह किए बगैर कहाँ चला गया वो? और ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया? रिच, ये सब क्या कर रहा है तू? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जो हो रहा है होने देना, शांति से एकदम हमारी शादी। भाई मैं रिया से शादी नहीं कर सकता, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मैं प्रदा से ही शादी करूंगा बस। चुप कर सीमा, प्लीज मेरी बेटियों के सामने तो मेरे पति की बेइज्जती मत कर। क्यों ना करूं? मेरे बेटे की बेइज्जती तूने की, पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई तू। आंटी तो क्या आप मॉम को थप्पड़ मार देंगे? आंटी आपने गलत किया है, आपने उनकी इंसल्ट कर दी। आंटी यू आर स्पॉइलिंग एवरीथिंग, आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए अपने हाथों से। रिश्ते तोड़ने की शुरुआत तेरी माँ ने की है, अब तेरी माँ पर डिपेंड करता है कि क्या अब भी वो रीम की शादी मेरे बेटे ऋषभ के साथ करना चाहती है या नहीं। माँ, मैंने कब बोला कि मैं रीम से शादी तोड़ रहा हूँ? मैं करूंगा ना रीम से शादी। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, आज मेरी दोनों बेटियों की शादी और ये सब। Can't believe this. माम, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, एडमिटेड, लेकिन मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना। तो मैंने कब कहा रिश्ते तोड़ने के लिए? लेकिन कोई मेरे घर में आकर मेरे बेटे की बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम दोनों की शादी तुम्हारी अपनी चॉइस है, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब क्या करें? मेरा बेटा रिया से नहीं बल्कि प्रथा से प्यार करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले तुमने मुझे बता दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी जिससे तू प्यार करता है, और वो लड़की है प्रथा।